लखनऊ के थाना चिन्हित में कल देर रात युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने आज नेशनल हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि पवन के हथियारों को पुलिस बचा रही है। देर रात नशे में पार्टी के दौरान पवन की मौत हो गई थी। लखनऊ के थाना चिन्हित इलाके के मुलायम नगर में रहने वाले 27 वर्षीय पवन कुमार गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पवन एक निजी इंस्टीट्यूट में सफाई कर्मियों का सुपरवाइजर था। दरअसल परिजनों का कहना है कि कल पवन की बेटी हर्षिता का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के अवसर पर पवन ने अपने दोस्तों के लिए दुकान पर ही पार्टी का आयोजन किया था। परिजनों के मुताबिक यशवंत, सोनू और दिनेश मिश्रा के साथ पवन ने शराब पी, लेकिन शराब की कमी होने के चलते उसके दोस्त उसे खरी खोटी सुनाने लगे और शराब दोबारा खरीदने के लिए एटीएम से पैसा निकाल कर लाने को कहा, लेकिन बैंक के एटीएम का सर्वर डाउन था जिसके कारण रुपए नहीं निकल पाए। इस पर उसके दोस्तों ने पवन को जलील करना शुरू कर दिया। जब इस बात का विरोध पवन ने किया तो नशे में धुत तीनों युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली, जिसके कारण उसके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई और देखते ही देखते मारपीट एटीएम तक पहुंच गई, जहां शराब के नशे में धुत गुस्साए पवन ने अपना हाथ एटीएम के बाहरी हिस्से में मार दिया, जहां वो चोटिल हो गया और देर रात उसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उसने अपनी पत्नी और भाई को उसके कातिलों का नाम बता दिया। सुबह कमता चौकी में तहरीर पर कार्यवाही नहीं हुई तो परिजनों ने चिन्हित थाने में तहरीर दी, लेकिन कार्यवाही ना होने के चलते परिजन और इलाके के लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बेटा ये हुआ था, उसकी बेटी का बर्थडे था, लड्डू खत्म हुए, हम लोग बोले बेटा लड्डू थोड़े से हमको और चाहिए, ले आओ। मेरा बेटा यहाँ लड्डू लेने आता है राधे के होटल में, और उस बेटे को यहाँ चार लोग बुला करके दारू पीने के लिए बैठा है। मेरा बेटा नहीं पहुँचे, मैं 9 बजे के आसपास फ़ोन करती हूँ, बेटा तुम कहाँ, तो बोलते हैं कि मैं 20 मिनट में नहीं आया। चिन्हट पुलिस प्रशासन ये बता रहे कि एटीएम में हाथ मारने से सोनू नाम उसे मतलब उनकी मृत्यु हुई है। आप लोगों का क्या कहना है? मतलब पुलिस प्रशासन मुद्दे को दबाने में लगा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर इस पीड़ित परिवार को एक बार फिर न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट।